आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 3658 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 80 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 8006 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 182, बागेश्वर में 278, चमोली में 205, चंपावत में 93, देहरादून में 566, हरिद्वार में 548, नैनीताल में 414, पौड़ी में 151, पिथौरागढ़ में 189, रुद्रप्रयाग में 143, 315, उधम सिंह नगर में 503 और उत्तरकाशी में 71 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में अतिवृष्टि से 5 की मौत, कई घायल। तो चक्राता में मलवा छानी पर गिरने से 3 की गई जान, उधम सिंह नगर में 2 की मौत हो गई। तो मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई, पूरे उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई। कई स्थानों पर बारिश ने गर्मी से सर्दी का एहसास कराते हुए मई माह कर वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मौसम की मार से चक्राता में 3 और उधम सिंह नगर में 2 लोगों की जान चली गई। कई स्थानों पर मार्ग बाधित हो गए, बिजली गुल होने से परेशानी बढ़ गई। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। प्रभावितों को तत्काल मदद के निर्देश। तो प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संबंधित जिलाधिकारियों से फोन पर रिपोर्ट ली। उन्होंने प्रभावितों तक सहायता पहुंचाने तथा घायलों के समुचित इलाज और बेघर लोगों के भोजन व रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ और माणा में हिमखंड टूटा। तो भारी बारिश के दौरान देश के अंतिम गांव माणा के पास के गदेरे और बद्रीनाथ में सेना कैंप के ठीक सामने नाले में हिमखंड टूटकर आने से अफरा तफरी मच गई। माणा के ग्राम प्रधान पीताम्बर मोल्फा ने बताया कि क्षेत्र में बुधवार रात से भारी बारिश हो रही थी। बृहस्पतिवार पूर्वान्न करीब 11 बजे माणा गांव के समीप गदेरे के शीर्ष भाग में हिमखंड टूटकर गदेरे में आ गया, जिससे गदेरे का पानी दुधिया रंग का हो गया। इसी दौरान सेना हेलीपैड के ठीक सामने की चट्टान से भी एक अन्य हिमखंड टूटकर नीचे आ गया, जिससे नाले में बर्फ के साथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया। बद्रीनाथ धाम में रह रहे लोग अपने कमरों में दुबक गए। हालांकि दोपहर बाद स्थिति सामान्य हो गई, वसुधारा के पास भी हिमखंड टूटता दिखाई दिया। नैनीताल जिले में मूसलाधार बारिश ने तोड़ा 105 साल का रिकॉर्ड। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी परचून की दुकानें। तो प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के दौरान आज शुक्रवार को राशन और किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। 18 मई को जारी कोविड कर्फ्यू के SOP में इसका समय 2 घंटे घटाकर सुबह 7 से 10 बजे कर दिया गया था। अब शासन ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। देश में ब्लैक फंगस भी अब महामारी। तो कोरोना महामारी के बीच देश में गंभीर रूप धारण करते ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस को भी महामारी मान लिया गया है। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इसे महामारी घोषित करने की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। हरियाणा और राजस्थान के बाद तेलंगाना, पंजाब व तमिलनाडु ने अधिसूचना जारी कर दी है। व्हाइट फंगस नया खतरा, देश से पहचान होने पर जान का भी खतरा। तो बिहार और हरियाणा में अब व्हाइट फंगस से पीड़ित मरीजों के मिलने के बाद परेशानियां बढ़ गई हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना के 4 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। इनमें से एक पटना के नामी सर्जन भी हैं। पर्यावरणविद बौगणा को कोविड निमोनिया। तो एम्स ऋषिकेश में भर्ती 94 वर्षीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बौगणा को कोविड निमोनिया हुआ है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत। तो एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से अल्मोड़ा निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं संस्थान में ब्लैक फंगस के 4 नए केस मिले हैं। एम्स ऋषिकेश में अब तक ब्लैक फंगस के 46 मरीज मिले हैं, इनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि एक मरीज को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी। जनता को धोखे में रख रही प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट तो गद्दी पर बैठे राजा को प्रजा के दुख का पता नहीं, क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर सुनवाई। तो हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर के दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। अदालत ने कहा कि कोविड टेस्ट की लगातार घटती संख्या बताती है कि राज्य सरकार खुद को और लोगों को धोखे में रख रही है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो से लग रहा है कि कपोटोद्घाटन के दौरान चारधाम में पुजारियों की भीड़ थी और SOP का पालन नहीं हो रहा है।
कोर्ट ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर से कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र मित्र है कि गद्दी पर बैठे राजा को प्रजा के दुख का पता नहीं चलता, इसके लिए मौके पर जाना पड़ता है। आरएसमान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई। संक्रमण और कम हुआ तो बाजार खुलने में दी जा सकती है ढील। तो प्रदेश में मैदानी जिलों में कोरोना संक्रमित के मामलों में यदि और कमी आती है तो सरकार बाजारों के खुलने के समय में कुछ ढील दे सकती है। राज्य में 25 मई तक कोविड कर्फ्यू है। 24 मई को प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण और कोविड कर्फ्यू के प्रभावों का आकलन करेगी और इसके बाद निर्णय लेगी। शक्ति के बाद हुआ पूर्व में हुई 79 मौतों का खुलासा। तो प्रदेश सरकार की शक्ति के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में कई दिनों पहले हुई कोरोना मरीजों की मौत की हकीकत सामने आने लगी। बृहस्पतिवार को निजी अस्पताल ही नहीं सरकारी अस्पतालों में भी 79 कोरोना मरीजों का मौत का खुलासा हुआ जो कई दिन पहले हुई थी, लेकिन अस्पतालों ने इसकी डेथ ऑडिट की सूचना राज्य कंट्रोल रूम को नहीं दी थी। ठीक होने के 3 माह बाद टीका लगवा सकते हैं संक्रमित। तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि कोरोना संक्रमित लोगों को ठीक होने के 3 माह बाद टीका लगना चाहिए। कर्णवाल से अभद्रता में 5 लोगों पर केस। तो विधायक देशराज कर्णवाल के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने के मामले में पुलिस ने लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में विधायक ने निजी सचिव की ओर से पुलिस को तहरीर दी थी। उपनल कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का सशर्त मानदेय मिलेगा। तो लंबित मांग को लेकर के हड़ताल पर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का मानदेय भी दिया जाएगा। प्रमुख सचिव एल फेनई की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। 4 माह में 8,410 सुरक्षित प्रसव। तो स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से भेंट की। तो मुख्यमंत्री नरसिंह रावत ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए दिए। हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के पंजीकरण पर रोक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल पर हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे मास्क और सैनिटाइजर। तो प्रदेश में कोविड ड्यूटी कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्क और सैनिटाइजर दिए जाएंगे। विभागीय निदेशक हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। नर्स भर्ती की परीक्षा 28 मई को, आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। तो प्रदेश में नर्सों के 2,621 पदों पर भर्ती की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से पत्र मिलने के बाद परिषद ने नर्स भर्ती परीक्षा के लिए 28 मई की तिथि तय की है। यह परीक्षा देहरादून में 17 और हल्द्वानी में 10 केंद्रों पर आयोजित होगी। प्रवेश पत्र और फोटो आईडी है कर्फ्यू पास। अगर किसी भी जगह पर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ होगा तो स्टाफ नर्स के उम्मीदवारों के लिए विशेष छूट दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उम्मीदवार का प्रवेश पत्र और फोटो आईडी ही उसका कर्फ्यू पास माना जाएगा। काशीपुर के एक प्राइवेट अस्पताल पर मुकदमा। तो पुलिस ने आयुष्मान अस्पताल के प्रबंधक पर एक मरीज से अधिक बिल वसूलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग की जाँच के बाद कार्रवाई की गई। श्रमिकों को 2,000 रुपये की मदद दे सरकार। तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की सबसे अधिक मार श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। सरकार की ओर से पंजीकृत श्रमिकों को 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाए। राज्य में आज 1,00,000 कोविशील्ड पहुंचेगी। तो राज्य में शुक्रवार को 1,00,000 कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचेगी। इसमें 45 प्लस वालों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से इस आयु वर्ग का वैक्सीनेशन ठप पड़ा है। होम टेस्टिंग किट 3-4 दिन में खुले बाजार में मिलेगी। तो कोरोना की जांच घर पर खुद कर सकेंगे, इसके लिए होम टेस्टिंग किट 3-4 दिनों में दवा की दुकान में मिलने लगेगी। नमूना नाक से लिया जाएगा, 15 मिनट के भीतर लोगों को नतीजा मिल जाएगा। होम टेस्ट किट से 15 मिनट में पता चलेगा कोरोना है या नहीं। तो कोरोना की रैंडम जांच
के लिए आपको ना तो स्वास्थ्य केंद्रों में जाने की आवश्यकता होगी, ना ही सैंपल कलेक्शन के लिए किसी को घर बुलाने की जरूरत होगी। आप खुद ही आसानी से कोरोना की जांच कर पाएंगे। घर में कोविड जांच के लिए पहले टेस्टिंग किट कोवी सेल्फ अगले सप्ताह के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगी। अनावश्यक घूमने वालों की कोविड जांच होगी। तो डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने गुरुवार को सीएमओ, सभी एसडीएम एवं नोडल अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। उन्होंने कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों की कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। सुद्धोवाला जेल में कोरोना की दस्तक। तो सुद्धोवाला जेल में बंदियों को पैरोल पर छोड़ने से पहले कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया। गुरुवार को जमानत मिलने पर छोड़े जाने वाले बंदी में कोरोना की पुष्टि हुई है। आयुष्मान में ब्लैक फंगस का इलाज। तो शहर के एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित मोहकमपुर निवासी लक्ष्मी देवी का इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत होगा। देहरादून से खबर आई, पति और देवर की पिटाई से घायल महिला ने दम तोड़ दिया। तो पति और देवर की पिटाई से गंभीर रूप से घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तो देहरादून के क्लेमन टाउन से खबर आई है, बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। तो बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कई स्थानों पर मलबा गिरने से दिन भर बाधित रहा। कोरोना जांच की मनमानी फीस लेने पर दो लैब संचालक गिरफ्तार हुए हैं। तो 1200 से 1500 रुपए तक फीस वसूल रहे थे। नर्सिंग परीक्षा के लिए निःशुल्क बस सुविधा। तो उत्तराखंड में नर्सिंग स्टाफ के 2600 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में दूर दराज के जिलों से अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पूर्व प्रधान राजन का निधन। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आड़त बाजार के पूर्व प्रधान एवं गुरुद्वारा श्री पांटवा साहिब के जनरल सेक्रेटरी सरदार राजेंद्र सिंह राजन का निधन हो गया। वे 94 साल के थे। पूर्व शिक्षा मंत्री भंडारी का निधन। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी का बुधवार को रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया। प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने नरेंद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया। 2002 में पौड़ी विधानसभा सीट से नरेंद्र सिंह भंडारी ने भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत को हराया था। 2007 में चुनाव में तीरथ सिंह रावत ने भंडारी को हराया। इस हार के बाद भंडारी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था। तो आपको बता दें कि ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में 56,000 शिक्षकों की भर्ती करवाई थी। गढ़वाली अभिनेता राम रतन काला का निधन। कलाकारों में छाया शोक। तो अपने अभिनय से हास्य बिखेरने वाले और कई मौकों पर गंभीर भूमिकाएं निभाने वाले वरिष्ठ लोक कलाकार राम रतन काला का बुधवार देर रात कोटद्वार में निधन हो गया। अल्मोड़ा में 4 साल में सर्वाधिक बारिश। तो अल्मोड़ा में 2 दिन में जारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश ने बीते 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे मलबा आने से बंद हो गया। वहीं अल्मोड़ा में बारिश के चलते बाजार में भीड़ कम रही। खटीमा में ठंड ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बड़कोट में भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ के पास 100 मीटर हाईवे टूट गया। अब गाँव में निकल रहे हैं पॉजिटिव केस। तो जिले में अब ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए अधिकतर ग्राम प्रधान गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच की मांग करने लगे हैं। अल्मोड़ा में केएमयू की हड़ताल से दिक्कत। कोरोना काल में यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर केएमयू बसों के पहिए जाम हैं। बीते 19 दिनों से बसों के पहिए जाम होने से चालक प्रचालकों समेत बस मालिकों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। यात्रियों को भी आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। अल्मोड़ा में कोरोना से 2 की मौत। तो जिले में गुरुवार को भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर बना रहा। इस बीमारी से लड़ते हुए 2 लोगों ने असमय अपनी जान गंवा दी। मई में 10 साल के दौरान सबसे ज्यादा बारिश। तो दून और आसपास के इलाकों में 24 घंटे में 73 मिलीमीटर बरसा पानी। पहाड़ों की रानी मसूरी में थमी बरसात, लोगों ने ली राहत की सांस। बारिश के बीच बिजली गुल होने से लोग परेशान रहे। टीके के लिए जिले में 9 लाख पंजीकरण। तो जिले में टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी है। वैसे तो जिले में 9 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया है, लेकिन प्रतिदिन स्लॉट की संख्या बेहद कम है। ऐसे में अब टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार हो रहा है।
महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि करना पड़ा आंख का ऑपरेशन। तो देहरादून के देहरादून से खबर है, श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल पटेल नगर में एक महिला मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। ब्लैक फंगस होने के बाद महिला की आंख में संक्रमण हो गया था, जिसके चलते डॉक्टरों ने महिला की आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। दून अस्पताल में बनेंगे बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त 100 बेड। नमी से भी बढ़ता है ब्लैक फंगस का खतरा। तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कई तरह के संक्रमण मौजूद होते हैं, इसी वजह से शरीर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो यह संक्रमण भी सक्रिय अवस्था में आ जाता है। इसे अवसरवादी संक्रमण भी कहा जाता है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस भी इसी तरह का संक्रमण है। लकवा मिर्गी को भी दावत दे रहा है कोरोना। तो मस्तिष्क को कम ऑक्सीजन मिलने की स्थिति में यह समस्या हो रही है। मसूरी से खबर है, कांडी खाल में सड़क धंसी, घंटे भर यातायात ठप रही। तो मसूरी देहरादून मार्ग मसूरी कैम्पटी मार्ग पर मलबा आया, जिंदगी बचाने के लिए खुद ही जूझते रहे ग्रामीण। तो विकास नगर से खबर है, यह हादसे की खबर लगते ही निकटवर्ती कुआंसी बिजनू और जोगियो आदि गांव में लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने गैती फावड़े और बेलचे जैसे सीमित संसाधनों से मलबे में जिंदगी की तलाश शुरू कर दी। हादसा सुबह 8 बजे हो गया था। चारों तरफ सिर्फ मलबा फैला था। आवासीय छानियों का अधिकांश हिस्सा भी मलबे के भेंट चढ़ चुका था। हर तरफ बर्बादी का मंजर था। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने एक शव को किसी तरह बाहर निकाला। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में करें आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 25 मई को होगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। वहीं स्टेनो टाइपिस्ट सहित कई पदों पर मौका, तो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 856 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं योग्य उम्मीदवारों की है जरूरत, 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान में, तो इसके लिए 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। लामबगड़ नाला उफान पर आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। तो भारी बारिश के कारण आए बोल्डर और मलबा फंसा ट्रक, चालक परिचालक ने भागकर जान बचाई। वहीं बिरही चाड़े में 3 घंटे तक हाईवे बंद रहा। वाहनों को मलेथा टीरी दरिंदनगर रूट पर डाइवर्ट किया। तो 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बृहस्पतिवार को दिन भर अवरुद्ध होता रहा। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है, आंगन व होटल का पुस्ता ध्वस्त, कार मलबे में दबी। तो बारिश के कारण नगर क्षेत्र में बेलड़ी में एक मकान का आंगन ध्वस्त हो गया। वहीं एक होटल के परिसर का पुस्ता भी ध्वस्त हो गया, जिससे वहां खड़ी कार भी मलबे के साथ जा गिरी। 100 साल बाद नए सिंहासन पर विराजमान हुए द्वितीय केदार। तो द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर 100 साल बाद नए सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। 11.5 किलो चांदी के नए सिंहासन पर भगवान मद्महेश्वर को धाम में विराजमान किया गया है। 24 को खुलेंगे द्वितीय केदार के कपाट। आज धाम के लिए प्रस्थान करेगी चल विग्रह उत्सव डोली। वही खबर है, चमोली के गोपेश्वर से 350 गांवों की बिजली ठप। तो धारी देवी मंदिर के समीप टूटा 66 kV विद्युत लाइन का तार। वही खबर है, नई टिहरी से 2 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। नई टिहरी से खबर है, खिड़की तोड़कर बैंक में घुसे 2 नाबालिग। तो गज्जा में स्थित SBI बैंक में 2 नाबालिग को चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में हिरासत में लिया है। 5 कोरोना संक्रमित ने तोड़ा दम। तो श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय के कोविड सेंटर में भर्ती 2 कोरोना संक्रमितों ने बृहस्पतिवार को दम तोड़ दिया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो मई में आफत की बारिश, शहर और गाँव जलमग्न। तो शहर में जगह जगह पानी भरने से नगर निगम की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। वहीं हरिद्वार से खबर आई, बेस हॉस्पिटल में आईसीयू में घुसा पानी। तो पतंजलि योगपीठ के सहयोग से कोरोना मरीजों के उपचार के लिए भूपतवाला में बनाए गए बेस हॉस्पिटल में पानी घुस गया। हॉस्पिटल के आईसीयू में पानी घुसने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने आईसीयू में घुसे पानी को निकाला, बाद में चौक नाले को JCP से खुलवाकर समस्या का समाधान किया गया।
2 दिन में 32 mm बारिश, तो 2 दिन से लगातार 32.2 mm बारिश हुई। शहर से देहात तक बिजली गुल सूखे हलक, तो 24 घंटे में बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की बिजली घंटों तक के लिए गुल कर दी। रात के संकेत, सिविल अस्पताल रुड़की में अब कोविड के मात्र 18 मरीज हैं। सुविधाएं तमाम मरीजों को नहीं आराम, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में नहीं हो रहा कोरोना संक्रमितों का इलाज। तेज बारिश में भी युवाओं में कम नहीं हुआ वैक्सीनेशन का उत्साह, तो तेज बारिश के बाद भी युवाओं में कोविड का टीकाकरण को लेकर के उत्साह कम नहीं हुआ। युवाओं ने बारिश में भीगते हुए केंद्रों पर पहुंचकर टीके लगवाए। थमने लगा संक्रमण पर सावधानी जरूरी, तो नए मरीजों की तुलना में रिकवरी दर 76%। एक दिन में बृहस्पतिवार को सबसे कम नए मामले आए। 25% बेड बच्चों के लिए रिजर्व, तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और ब्लैक फंगस से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। फर्जी फॉर्म बनाकर धोखाधड़ी केस, तो कंपनी मालिक ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, प्रॉपर्टी खरीद फरोख को लेकर के मारपीट कर कार में डालकर ले गए आरोपी, तो 36 लाख रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो मूसलाधार बारिश ने 105 वर्षों का रिकॉर्ड को धो डाला। तो मई मध्य में जब भीषण गर्मी से लोग परेशान रहते हैं, चौमासी जैसी बारिश ने लोगों को स्वेटर निकालने के लिए मजबूर कर दिया है। बारिश की झड़ी से ठहर गई जिंदगी, तो नगारी गांव में दीवार का मलबा, घर में घुसा मामा भांजी घायल, जगह जगह दीवारें टूट गई। वहीं कैंची में मलबा आने से 1 घंटे तक हाईवे बंद रहा। दीवार का मलबा घर में घुसा, तो नैनीताल से खबर आई है, तालीताल स्थित डीएम आवास के पास सुरक्षा दीवार गिर गई, जिसका मलबा कनिष्ठन कंपाउंड निवासी पुष्पा भट्ट के निर्माणाधीन मकान में घुस गया। वहीं हल्द्वानी से खबर है, 2 ट्रांसफार्मर फूके, पोल गिर गया। 1 महीने में बिक गई 5 करोड़ की पैरासिटामोल, तो कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही दवाओं का कारोबार भी आसमान पर पहुंच गया है। 1 माह के भीतर कुमाऊं में 5 करोड़ की पैरासिटामोल बिक गई। टीके से पहले स्लॉट बुक करने की जंग, तो वैक्सीन की कमी और युवाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण 18 से 44 आयु वर्ग के युवा टीका लगाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हैं। CM तीरथ सिंह रावत ने 10 मई से प्रदेश में युवाओं के लिए टीकाकरण शुरू किया। युवा जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करने की जंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोजाना लड़ रहे हैं। वे सरकार तक अपनी फरियाद पहुँचाना चाहते हैं। उनकी अपील है कि अगर सरकार युवाओं को जल्द टीका लगवाए, अगर 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीके नहीं हैं तो केंद्रों को बंद कर दिया जाए। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो गर्मी में मौसम में चौमा जैसी झड़ी, सड़कें भी बंद पड़ी, तो पिथौरागढ़ घाट NH पर आया मलबा, थल मुंशियारी सड़क नया बस्ती के पास हुई बंद, नाचनी की रामगंगा नदी में लकड़ी के 2 कच्चे पुल बह गए। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरनाक हुई आवाजाही, तो लोहागढ़ चंपावत से खबर आई है, कई जगह गिरे पत्थर, 1.25 घंटा बाधित रहा मार्ग। बन बसा में 18 घंटे ठप रहा बिजली आपूर्ति, मई में बारिश का पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। कोरोना के लक्षण छुपाने पर उपनल चालक की सेवा समाप्त, तो चंपावत से खबर आई है, कोरोना संक्रमण के लक्षण, तेज बुखार को छुपाकर ड्यूटी के आरोप में उद्योग विभाग के चालक को हटा दिया गया। उपनल से तैनात इस कर्मी को हटाकर उनके स्थान पर दूसरा चालक देने के लिए उद्योग महाप्रबंधक मीना बोरा ने उपनल के परियोजना अधिकारी को पत्र भेजा है। छाता लेकर पहुंचे टीकाकरण केंद्र, तो पिथौरागढ़ में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के 14 टीका केंद्रों पर 1411 लोगों को टीकाकरण हुआ। भारी बारिश में पैदल 15 किलोमीटर चलकर प्रसव पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। आखिरकार शादी के 11 दिन बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, तो कोरोना संक्रमित होने से शादी के बाद मायके में आइसोलेट थी दुल्हन।
पिथौरागढ़ से खबर है, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे गोरंग घाटी के 22 गांव। तो गोरंग घाटी क्षेत्र के लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। गांव के लोग सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाजार आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा अपने हाथों में है। धारचूला से खबर है, यह बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए दारमा घाटी के माइग्रेशन वाले गाँव बोगलिंग और दुगतू में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति सूची जारी हो तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल संघ ने पदोन्नति सूची जारी करने हेतु शिक्षा सचिव को पत्र भेजा है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो काशीपुर से खबर है, यह बारिश से ट्रांसफार्मर फूका, पोल भी गिरे, खटीमा में भी बिजली गुल रही। बारिश से दीवार गिरी, दो ठेकेदार की दबकर के मौत हो गई। तो बाजपुर किला खेड़ा से खबर आई है, दो दिन से हो रही तेज बारिश और आंधी के चलते एक ईंट भट्टे के स्टॉक गोदाम की दीवार अचानक कच्चे मकानों पर गिर गई। इस कच्चे मकान में सो रहे दो ठेकेदारों की मौत हो गई। वहीं खबर है, बाजपुर से बारिश से गडरी नदी पुल के पास भारी कटाव हुआ है। अब संजय पैथोलॉजी लैब से 15 एंटीजन जाँच किटें बरामद हुई हैं। तो CMO ने पैथोलॉजी संचालक के खिलाफ तहरीर सौंपी है। सिर्फ 1068 युवाओं को लगी वैक्सीन, तो रुद्रपुर से खबर आई है, आज शाम 45 प्लस वालों के लिए 12,000 वैक्सीन पहुंचने की संभावना है।